यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तक की बड़ी खबर की जो कि नरवाना से आ रही है, आपको बता दें कि यहां पर नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया है और नेशनल हाईवे जो है नरवाना हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे है ये, वो जाम किया गया है। धनोदा गांव के लोग हैं जिन्होंने जाम लगाया है और इसके पीछे की वजह ये है कि ये जो टोल फ्री करने की मांग है लगातार इनकी है, इसी को लेकर जो है इन्होंने जाम लगाया है, दबाव बनाने की कोशिश की है। नरवाना हिसार और चंडीगढ़ नेशनल हाईवे जाम हुआ है, लंबा जाम लग गया होगा जाहिर सी बात है क्योंकि ये नेशनल हाईवे है और लोगों को परेशानियां होने वाली हैं काफ़ी। टोल फ्री करने की मांग को लेकर टोल पर ये जाम लगाया गया है। देखना ये भी होगा कि आखिर एकदम से इस तरह क्यों जाम लगाया गया और कितने लंबे समय से ये मांग होगी टोल फ्री की और कितनी दूरी पर ये गांव है, क्योंकि कई जो है पैमाने होते हैं टोल फ्री करने को लेकर। क्या इनकी जायज़ मांगे हैं या फिर दबाव बनाने की कोशिश है जाम लगाकर? और फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है कि नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद है, जाम है, लोग परेशानी में होंगे, लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही होंगी वहां पर जो लोग इस रास्ते से अपने गंतव्य की ओर जा रहे होंगे। सबसे बड़ी बात यह भी है। गुलशन चावला नरवाना से खबर अभी तक संवाददाता फोनलाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के लिए। गुलशन, आप वहां पर मौजूद होंगे, फिलहाल वहां की स्थिति बताइए कि क्या पुलिस प्रशासन वहां पर डटा हुआ है जाम खुलवाने को लेकर और टोल फ्री करने की मांग ही है इनकी या इसके अलावा और भी मांग है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कमल जी, जो नेशनल हाईवे हिसार चंडीगढ़ रोड है ये काफी व्यस्त रोड है और इस पर टोल टैक्स बनाया गया हाल ही में और वहां पर एक धनोदा गांव पड़ता है, वो मात्र सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर ही गांव है और गांव के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि वो पहले भी कई बार चेतावनी दे चुके हैं कि वहां पर उनका लोगों का नरवाना शहर के अंदर आना जाना होता है, उनका टोल टैक्स माफ किया जाए, लेकिन जो कानून प्रक्रिया वो टोल टैक्स माफ नहीं हो रहा, जिसको पहले कई बार चेतावनी दे चुका है, जिसको तंग आकर आज गांव के लोगों ने इकट्ठे होकर वहां पर जाम लगा दिया है और उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक जाम टोल टैक्स उनका फ्री नहीं होगा तब तक वो जाम नहीं खोलेंगे, जिसको लेकर वहाँ काफी लंबा जाम लग गया है क्योंकि नेशनल हाईवे चंडीगढ़ रोड काफी व्यस्त है। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, क्या समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है ग्रामीणों को और कितनी संख्या में ये लोग मौजूद है वहाँ पर? सैकड़ों की संख्या के अंदर ये लोग मौजूद हैं और प्रशासन वहां पहुंच गए हैं, लेकिन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि वो पहले कई बार चेतावनी दे चुके हैं, जब तक उनका टोल टैक्स माफ नहीं किया जाएगा तब तक वो जाम नहीं खोलेंगे और इस समस्या का हल काफी समय से नहीं हो रहा, जिससे लोग काफी तंग है और व्यस्त रोड होने के कारण काफी लंबा जाम लग गया है। गुलशन, टोल मैनेजमेंट का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? जैसा कि आपने कहा भी पहले भी चेतावनी दी गई थी तो को चेतावनी को सीरियसली क्यों नहीं लिया गया? जी कमल, टोल मैनेजमेंट से बात हुई थी, उन्होंने कहा था जो उनको उच्च अधिकारी हैं उनसे वो बात नहीं उनको लिख देंगे, लेकिन कुछ समय का कुछ समय मांगा था लेकिन वो समय बीत जाने के बाद में उनके समस्या का हल नहीं हुआ। उस गांव के लोगों का साफ तौर पर कहना कि नरवाना के अंदर किसी न किसी कारण उनको डेली आना पड़ता है, जिस कारण वो टोल टैक्स नहीं दे सकते। गुलशन, क्या इन जो लोग हैं आप बता रहे हैं 5 किलोमीटर दूरी पर ये धनोदा गाँव है, क्या उतना ही टोल टैक्स देना पड़ता है जैसा की बाकी जो वाहन इस रास्ते से गुजरते हैं? जी बिल्कुल, सेम टोल टैक्स देना पड़ता है, जिसको लेकर गांव के लोग काफी तंग है। उन्होंने कहा कि जो भी अपने दैनिक कार्य करवाने के लिए उन्हें या किसी भी चार्जिंग के लेके धनोदा गांव से नरवाना आना पड़ता है और बीच में टोल टैक्स पड़ता है जी, और नरवाना के अंदर ही ये गांव आता है। परेशानियां तो गांव वालों के लिए भी है क्योंकि उनको शहर जाना पड़ता है और ये दैनिक कार्य होता है, रोजाना का भी हो सकता है और यही परेशानी है और इसी परेशानी को लेकर जाम लगाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो लोग रोजाना इस रास्ते से गुजरते हैं वो भी परेशानी में है, वो भी दिक्कत में है क्योंकि लंबा जाम लग चुका है और वो वहां पर मौजूद है। शुक्रिया गुलशन, तमाम जानकारी के लिए अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे।